आज आपका पॉडकास्ट जो भी देख लेगा ना वो न्यूमोलॉजी को मतलब एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स तो उसका कंप्लीट हो जाएगा अंक कितने अच्छे होते हैं मुझे शुरू में मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था हीरो की बुक तो मेरे ब्रदर ने ही मुझे लागे गिफ्ट की थी क्या एस्ट्रोलॉजी बेटर है या टैरो कार्ड बेटर है या न्यूमोलॉजी बेटर है ना ही किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए कि भाई आपके ग्रह तो ये कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं होगा तो भी हो जाएगा बहुत सारी जगह ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जो सोसाइडी के कगार पे बैठे होते हैं तो हमें उनके प्लैनेट्स को ठीक करने से पहले ना उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करना पड़ता है न्यूमरोलॉजी है क्या किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ स्कूल का रोल नंबर ऑफिस का घर का मकान नंबर वो तक इफ़ेक्ट करता है आपका गाड़ी का नंबर इफ़ेक्ट करता है आपको आप मुझे किसी का मोबाइल नंबर देते हो तो मैं उनके मोबाइल नंबर से भी बता सकती हूँ कि हाँ ये इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी उसके ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आ रहा होगा नेम करेक्शन में हम प्लानट्स को इस तरह से बैठा देते हैं कि वो हमें अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन से अच्छे से अच्छे गुण दें यानी जो हम सेलिब्रिटीज के देखते हैं वो जो एक्स्ट्रा लेटर डालने वाला था ना वो अब पुरानी हो गई है थोड़ी okay. अभिषेक बच्चन का एक उदाहरण आ रहा था सामने कि उन्होंने अपने नेम स्पेलिंग चेंज किए हैं लेकिन ऐश्वर्या राय छोड़ गए उनसे अलग हो गए अभी टाइम बिंग तो न्यूज़ में यही है जैसे मुझे तो पता नहीं लेकिन अगर इनका प्लानट में शनि होगा एट नंबर होगा इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते होंगे ब्लैक कलर की शर्ट्स ब्लू कलर की शर्ट्स के लिए <laughs> आठ है अगर मैं जीरो से लेके नौ नंबर तक का आपसे पूछूँ सुधा जी सबसे पहले तो वेलकम टू टॉक्स नमस्कार जी नमस्कार मैम कैसे हैं आप बढ़िया और सबसे ज्यादा तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ बहुत सारे मित और बहुत सारी सिंचाइयों को लेकर हम आज बैठे हैं बात करने से रिलेटेडी से रिलेटेड रिलेटे। 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 तो आज तो वैसे जो ये पॉडकास्ट है हम इसमें आपसे काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी क्या होती है कैसे काम करती है क्या क्या इम्पेक्ट करती है और यहाँ तक कि हम इसमें यह भी आपसे पूछेंगे कि लक्की नंबर कौन से होते हैं अनलक्की नंबर कौन से होते हैं तो मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे आज दोनों ने अपने अपने इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं जो आज तक हम रेंडमली देखते आए थे यार वो अपनी गाड़ी का यही नंबर क्यों लेता है अच्छा वो अपने फ़ोन नंबर का इतना ही क्यों कॉमन रखता है घर के नंबर में क्या होता है या सेलिब्रिटीज जो अपने नाम में एक्स्ट्रा लेटर ऐड करते हैं वो किस लिए होता है तो आज हम आज सब कुछ आपसे पूछेंगे बिल्कुल मैं तो रेडी हूँ अब आप ज्ञान का भंडार तो बहुत है अब आप देखो कैसे एक्चुअली क्या है कि इससे पहले हमने वास्तु से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था उसमें लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आया था और लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया था और थैंक यू उसके लिए सभी लोगों को तो उसके अलावा काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि वास्तु से रिलेट करती हुई चीज़ें एस्ट्रोलॉजी भी है और न्यूमरोलॉजी भी है तो हमने सर्च किया उसमें मेरे को फिर आपका प्रोफाइल मिला फिर हमने आपको इन्वाइट किया और आज आप थैंक यू मैम आप यहाँ पर हैं तो सबसे पहले मैम आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन आप ऑडियंस को दीजिए कि आप क्या करते हैं कैसे आप इस लाइन पे आए बचपन से ही ना बड़ा इंटरेस्ट था घर में माहौल भी ऐसा था मेरे ब्रदर मेरे पापा बहुत ना शुरू से एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी कीरो की तब बुक्स आती थी आर्टिकल्स भी बहुत आते थे शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर अच्छा। पेपर में भी पढ़े होंगे तो उस समय ना एक माहौल होता था कि हाँ डेली का एस्ट्रोलॉजी देखना डेली का कि की, मतलब कीरो की बुक तो मेरे ब्रदर ने ही मुझे लागे गिफ्ट की थी अच्छा। कि हाँ देखो अंक कितने अच्छे होते हैं मुझे शुरू में मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन हाँ न्यूमोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था कि अच्छा अंक मतलब अगर हम कहते हैं कि ग्रहों से बातें कर सकते हैं हम तो बड़ा इंटरेस्ट आता था कि अच्छा जी हम ग्रहों को जान भी सकते हैं एक एक अंक का अपना एक ग्रह है और हम उनसे बातें कर सकते हैं तो वो एक बचन बच्च, बचपन से ही ना एक बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि अच्छा चलो इसके बारे में और जानते हैं और जानते हैं तो जहाँ से भी सीखने को मिला वहाँ से सीखा तो पहले पंडितों के पास गये भी गए पंडितों से भी सीखा फिर अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट से सीखा मतलब तो ऐसे करते करते काम करती रही करते करते बीस साल गुजर गए पर अभी पीछे कोरोना टाइम पे कुछ ऐसा टाइम आया कि हम घर में भी बैठे थे और हमें पूरा टाइम भी मिला कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और एज अ करियर आगे ला के इसे काम की तरह प्रोफेशन की तरह करें तो शुरू में हमने लोगों को सिखाना शुरू किया कि न्यूमोलॉजी होती क्या है ये काम कैसे करती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना अभी भी ये मेथ बहुत सारी हैं कि ये पता नहीं ए, अच्छे से काम करती भी है कि नहीं तुर्थी करती तुर्थी है या एस्ट्रोलॉजी बेटर है या कार्ड बेटर है या न्यूमोलॉजी बेटर है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सब अपने में अच्छे हैं जहाँ एस्ट्रोलॉजी काम करती है वहाँ एस्ट्रोलॉजी ही सही तरीके से काम करती है जहाँ न्यूमोलॉजी का है वहाँ न्यूमोलॉजी अच्छे से काम करती है मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी विधा छोटी है या बड़ी है Okay. तो इस तरह से करते करते हमने अभी पाँच साल तो मुझे तकरीबन हो गए हैं दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी करते हुए साथ में मैं लाइफ कोच भी हूँ Okay. तो हम ये भी हमारा ना पहला फर्ज़ ये होता है कि जो हमारे सामने बैठा है हम उसे ये देखें कि हमें खाली उसको उसके ग्रहों के बारे में नहीं बताना हुँ. उसके प्लैनेट्स के बारे में नहीं बताना उसके साथ जो सिचुएशन चल रही है जो सरकम हैं उससे हम उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं काउंसलिंग करके भी ओके okay. तो हम किसी को ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते कभी भी और ना ही किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए कि भाई आपके ग्रह तो ये कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा वो तो नहीं होगा तो भी हो जाएगा बिल्कुल माइंड में माइंड में एक सेट हो जाता है कि हाँ भाई मेरा तो मेरे में तो ग्रह ऐसे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वो तो हमारा एक हम लाइफ कोच भी हैं काउंसलर भी हैं बहुत सारी जगह ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जो सुसाइड कि कगार पे बैठे होते हैं कि भाई अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ ना अब तो मैं आत्महत्या कर लूँगा तो हमें उनके प्लानट्स को ठीक करने से पहले ना उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करना पड़ता है okay. तो पहले हमारा फ़र्ज होता है कि हम उन्हें इस स्थिति में लाएँ कि वो चीज़ों को समझें और फिर उनके साथ उन डिस्कस करके बाद में बताया जाता है कि हाँ तो यही सारा एक तरह से सोशल वर्क भी हो जाता है इसमें और इंटरेस्ट भी बहुत आता है काम करके यही सारा काम कर रहे हैं अभी तो तो मैम अगर बात करें सबसे पहले स्टेप की अगर हम जानना चाहें न्यूमरोलॉजी है क्या किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है न्यूमरोलॉजी देखो अभी ये उन्नीसवीं या बीसवीं सदी से कुछ ज्यादा बूम पर आई है लेकिन ये आज की सभ्यता नहीं है ये मिश के टाइम की सभ्यता है मिश सभ्यता में भी न्यूमोलॉजी के अवशेष मिलते हैं उनकी चीज़ें मिलती हैं कि हाँ उस समय भी लोग न्यूमोलॉजी बेस्ड चीज़ें करते थे और हमारे ही देश में नहीं केवल भारत के अलावा जापान रोम मिस्र और चीन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अलग अलग जैसे वेस्टर्न न्यूमोलॉजी हो गई पाइथागोरस न्यूमोलॉजी हो गई तो इस तरह से हमारी हो गई वैदिक न्यूमोलॉजी जो तमिल बेस भी हैं बहुत तो इस तरह से ना हर देश में अलग अलग नामों से नाम दिए गए हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन बेसिक सबका एक है कि प्लैनेट्स हमारे किस तरह से काम करते हैं जो हमारे आसपास के अंक है ना वो हमारे साथ किस तरह से काम करते हैं यही न्यूमोलॉजी बताता है कि जैसे अब हम बात करते हैं कि जन्म की तारीख है जन्म की तारीख से लेके आपका स्कूल का रोल नंबर तक आपको इफेक्टिव होगा आपके लिए अच्छा। किसी भी बच्चे का रोल नंबर आप कभी भी ट्राई करें कि वो उसका रोल नंबर जो है ना वो कहीं ना कहीं ना उसको आगे जिसका रोल नंबर एक होगा ना वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं आगे नंबर वन पे ही रहूँ पोजीशन अपनी मेंटेन रखूँ hmm. तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में देखा है और हमारे तो क्लाइंट्स में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आए हैं कि जहाँ पे हमें खुद मतलब शौक हो गया अच्छा इतना ज़्यादा वर्क करता है कि डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ स्कूल का रोल नंबर ऑफिस का घर का मकान नंबर वो तक इफ़ेक्ट करता है आपका गाड़ी का नंबर इफ़ेक्ट करता है आपको यहाँ तक कि आप मोबाइल नंबर से हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि अगर हमारे सामने वो इंसान नहीं भी है ना आप मुझे किसी का मोबाइल नंबर देते हो तो मैं उनके मोबाइल नंबर से भी बता सकती हूँ कि हाँ ये इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी उसके ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आ रहा होगा वो अच्छा लाइफ जी रहा होगा या कुछ परेशानियाँ आ रही होंगी इस तरह की चीज़ें हमें खाली मोबाइल नंबर से भी पता चल जाती है जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है ओके okay, तो अभी जैसे आपने बताया था कि आप दो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी कि एक तो आप न्यूमरोलॉजी में काम कर रहे हैं और दूसरा आप एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी उतना सीखना ज़रूरी होता है जितना कि लोग बाग क्योंकि लोगों को क्या समझ में आता है जनरली इंडिया में कि ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही मेन है कि कौन सा घर है कौन सा ग्रह है हमारी राशि क्या है लोगों को ना अभी अंक ज्योतिष उतना समझ में नहीं आता कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि व्यूज़ के चक्कर में लोगों ने कुछ का कुछ भी बोल दिया तो वो मज़ाक का विषय भी बन गया तो एक्चुअली ये बहुत सीरियस मतलब आप ये कहिए कि ओकल साइंस में एक बहुत अच्छी बहुत आकर्षक एक विधा है ये और बहुत सरल विधा है अगर आप हर एक अंक का एक प्लानट गुरु है स्वामी है okay. ठीक है अगर आप उसे समझ लेते हो कि एक अंक का सूर्य है स्वामी तो अगर आप सूर्य को समझ लेते हो सूर्य देव तो साक्षात आप दिखते हैं तो अगर आप उनकी चीजों को समझ लेते हो ना कि हाँ सूर्यदेव ऐसे हैं तो आप एक नंबर की पर्सनैलिटी वाले इंसान को एक सेकेंड में जज कर लोगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी वाइज कैसा होगा एक नंबर की पर्सनैलिटी मतलब एक नंबर की पर्सनैलिटी जो एक तारीख को जन्म लिया है जिस इंसान ने अच्छा। एक तारीख को या टोटल जिसका एक आता हो जैसे 19 तारीख को जन्मा तो 9 और एक 10 उसमें भी एक ही माना जाएगा वन हाँ तो वो भी वन ही माना जाएगा तो उनकी पर्सनैलिटी ना बिल्कुल अलग होगी वो लोग हमेशा जिंदगी में अपना ना आगे ही रहेंगे सूर्य कैसा होता है जैसे सूर्य होते हैं ना कि अपना हमेशा चमकना कभी भी लेजी नहीं होता वो आप लेज़ी हो सकते हो लेकिन वो नहीं होता वो सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे दृढ़ निश्चय वाले चाहे आंधी तूफान हो कुछ भी हो सुबह होगी शाम होगी तो ऐसे ही एक नंबर की पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा कि वो ना दृढ़ निश्चय वाला होगा बहुत ज़्यादा मतलब आप बटरिंग नहीं कर सकते उसकी ठीक है और हमेशा जहाँ भी रहेगा मतलब चाहे घर में हो चाहे बाहर वो यही कोशिश करेगा कि मैं सबसे आगे रहूँ मैनेजमेंट में भी अगर होगा तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं हायर से हायर पोजीशन कैसे अचीव करूँ पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जीरो से नाइन की जो आ, अंक संख्या होती है उनका जैसे आपने अभी एक के बारे में बताया कि एक नंबर वाले इस तरीके के होते हैं फिर दो नंबर वाले भी हैं तीन नंबर वाले भी हैं चार नंबर वाले भी हैं एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे बट उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में क्या फ़र्क है वो जानना चाहूँगा कि नंबर इतना तो मुझे समझ आ गया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारी कुंडली से चलती है हमारे ग्रह से चलती है और नंबर जो न्यूमरोलॉजी है वो सारा का सारा नंबर से चलती है सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ना आपको टाइम की ज़रूरत होती है अच्छा बर्थ प्लेस की ज़रूरत होती है और एस्ट्रोलॉजी में ना आपको एक पर्टिकुलर डेट टाइम और प्लेस तीनों चीज़ें मेंशन करनी ही करनी पड़ेगी मैंडेट्री है उसके बिना एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करेगी लेकिन हमारी न्यूमोलॉजी में एक बहुत अच्छी बात है कि ना तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल ठीक है ना आपको टाइम पता है ना प्लेस पता है फिर भी हमारी न्यूमोलॉजी आप पर काम करेगी कैसे वो ऐसे काम करेगी कि मान लीजिए कि आपको अपना रियल बर्थडेट तो नहीं पता लेकिन जो स्कूल में लिखा गया या जिस डेट ऑफ बर्थ को आप सेलिब्रेट करने लगे पेपर्स में लिखा गया वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर काम करने लगते हैं प्लैनेट्स अच्छा आपको सपोर्ट करने लगते हैं ओके okay. जैसे नेम करेक्शन की भी बात होती है तो नेम करेक्शन में यही तो करते हैं कि नेम करेक्शन में हम प्लैनेट्स को इस तरह से बैठा देते हैं कि वो हमें अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन दें अच्छे से अच्छे गुण दें यानी जो हम सेलिब्रिटीज के देखते हैं हाँ, अपने नाम के अंदर वो एक्स्ट्रा एक लेटर डाल देते हाँ, हैं वो जो एक्स्ट्रा लेटर डालने वाला था ना वो अब पुरानी हो गई है थोड़ी ओके okay. मतलब हम इनिशियल्स को बढ़ाने में ना उस उसमें नेगेटिव रिजल्ट भी देखे जाते हैं अच्छा। अभी जैसे अभी अभिषेक बच्चन का एक उदाहरण आ रहा था सामने कि उन्होंने अपने नेम स्पेलिंग चेंज किए हैं लेकिन उनकी लाइफ का करियर तो अच्छा हुआ लेकिन ऐश्वर्या राय छोड़ के उनसे अलग हो गए अभी टाइम बिंग तो न्यूज़ में यही है हाँ अभी चल रहा है मतलब फाइनल नहीं है, है फाइनल नहीं। 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 लेकिन कहीं ना कहीं कही रिलेशनशिप में तो दिक्कत आ रही है ना मतलब आ रहा है न्यूज में आ रहा है न्यूज़ में आ रहा है रिलेशनशिप मतलब हाँ कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दे ही रही है तो हम इनिशियली ये नहीं सोचते कि हाँ हम अल्फाबेट्स बढ़ा दें क्योंकि आप एक चीज़ को बढ़ा देते हो मान लो एक की ताकत आपने बढ़ा दी एक ग्रह की पर्टिकुलर तो बढ़ के वो अच्छा रिज़ल्ट दे रही है या खराब दे रही है ये कैसे पता चलेगा है ना बढ़ के चीज़ मोस्टली बढ़ती है जब चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा तो वो खराब ही रिज़ल्ट देती है okay. अच्छे रिजल्ट नहीं देती तो जब okay. हम नेम करेक्शन करते हैं या मैं नेम करेक्शन करती हूँ तो मैं और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ जैसे कि आपके फादर का नाम जोड़ा जा सकता है क्या सर हटाया या जोड़ा जा सकता है या कुछ अगर ऐसा आ रहा है कि हाँ अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो फिर नेम चेंज अब नेम चेंज में भी एक चीज़ आ जाती है कि भी आप कह रहे हो भाई मेरी तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई सारे पेपर्स मेरे डॉक्यूमेंट्स इससे बने हुए हैं तब क्या करें अब सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप चेंज तो कराने जाओगे नहीं हुँ. तो उस स्थिति में हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि जो नाम आपने रखा है ना उसे आप फिफ्टी टाइम्स लिख लोगे वाले पेपर पर आपको एक नाम से मान लो आपका नाम कुणाल है ठीक है ना आपको कुणाल नाम से कोई कितनी बार बुलाता होगा दिन भर में दस बार बीस बार हार्डली थर्टी टाइम्स ठीक है लेकिन आप जो नया नाम है उसे आप फिफ्टी वन टाइम्स लिख रहे हो डेली तो उसकी वाइब्रेशन आपने बढ़ा दी ठीक है ना इस तरह से ना हम प्लानिट्स को ना अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं और उनके साथ ना अच्छा तालमेल बैठा के ना आगे अपनी लाइफ को एक अच्छा मूव दे सकते हैं कि हाँ भाई आप इस तरह से चलेंगे अब हमें पता है आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें गड़बड़ होने वाली हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग तो हमें पता है ना कि हमें उस टाइम पे कोई पंगेबाजी लेनी ही नहीं है लाइफ में वो टाइम पीरियड हमें आराम से निकालना है तो हम आराम से निकालते हैं उस टाइम पीरियड अगर मैं अभी जैसे आप बता रहे थे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि जैसे आपने बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता बट वो क्या करते हैं जो स्कूल पे लिख दिया गया कॉलेज पे लिख दिया गया उसी को ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अब कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके दो दो डेट ऑफ बर्थ होते हैं ठीक है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ दूसरा लिख देते हैं अगर हम देखें उससे अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कौन से बर्थडे में हमको ज़्यादा वाइब्रेट करेगा या क्या उसमें वाँगरे? ना फिर हमें दोनों ही अब देखो सेलिब्रेट भी दोनों बर्थडे हो रहे हैं ठीक है और दोनों की ही वाइब्रेशन आ रही हैं अब किसी का कम ज़्यादा तो हम यहाँ आँख नहीं सकते तो फिर उसमें हम ये देखेंगे दोनों का एक से बैठाएंगे कि हाँ दोनों की ही ग्रिड बनेगी Okay. और फिर उसका जो एक निकलेगा एक निर्णय कि हाँ भाई इस तरह की ये ग्रिड बनी है काम दोनों का ही देखा जाएगा okay. फिर ये देखा जाएगा कि आपकी लाइफ पे कौन से ग्रिड का ज्यादा असर पड़ रहा है कौन से प्लैनेट्स ज्यादा आपके साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम लोग कनेक्ट भी उसी हिसाब से करते हैं मान लीजिए कि अगर इनका जैसे मुझे तो पता नहीं लेकिन अगर इनका प्लानट में शनि होगा एट नंबर होगा इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते होंगे ब्लू कलर ब्लैक कलर की शर्ट्स ब्लू कलर की शर्ट्स के लिए आठ है आठ, आठ भी, है। है। भी है ब्लैक भी ज़्यादा पहनता हूँ तो ये ना ग्रह अपने आप अट्रैक्ट करते हैं हाँ अब मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे मिली नहीं बहुत ये ये थोड़ा सा आ, काफी मुझे मेरे को सुन से क्या हो रहा है <laughs> नहीं ये चीज़ होती है मतलब हाँ हमें ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं कि जब हम उनके बारे में बताते हैं तो वो शौक ही होते हैं ये तो हमेशा प्लैनेट ना अट्रैक्ट करता है अच्छा। <laughs> Okay. अपनी चीजों को खुदी कुछ लोगों को तो हमें रेमेडीज बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती hmm. क्योंकि उनके जो वीक पॉइंट होते हैं ना वो रेमेडी ऑलरेडी वो कर रहे होते हैं मतलब ऑटोमेटिकली hmm. प्लैनेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ना क्योंकि हम तो उन्हें चलाने की कोशिश करेंगे hmm. लेकिन एक्चुअली में तो वही चला रहे हैं ना हमें बिल्कुल बिल्कुल है ना तो उन्हें पता है हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है मतलब कोई तो शक्ति है ना जो हम सब के ऊपर बैठी है और सारा कुछ देख रही है कर रही है तो कभी कभी तो ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं कि जिनके लिए कुछ रेमेडी ना वो बोलते हैं मैम ऐसा तो हम कर रहे हैं तो बस फिर जब प्रभु आपसे करा रहे हैं आप कर रहे हो तो सब सही है तो मेरा जो पहले एक और एक क्वेश्चन था जिसको हमने स्किप किया था थोड़ी देर के लिए वो क्वेश्चन अगर मैं दोबारा से आपसे पूछूं कि आपने एक नंबर वालों के लिए बताया था पहले कि एक नंबर वाले कैसे होते हैं क्या वो किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल रहती है अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप करें कि एक नंबर फिर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर अगर मैं जीरो से लेके नौ नंबर तक का आपसे पूछूँ आज आपका पॉडकास्ट जो भी देख लेगा ना <laughs> वो न्यूमोलॉजी को मतलब एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स तो उसका कंप्लीट हो जाएगा मतलब आप ये जितना आपने प्लैनेट्स को अगर अपने दर्शकों को समझा दिया ये प्लानिट्स हैं ये इसके गुण दोष हैं तो अपने आप सारी चीजों को अपना बिल्कुल सही तरीके से खुद ही समझने लगोगे कि हाँ मेरे प्लानिट्स किस तरह से काम कर रहे हैं जैसे एक नंबर सूर्य का बताया तो सूर्य के गुण जैसे मैंने बताया आपको कि उनमें एक आकर्षण होगा ही होगा लोगों में ऐसी दो नंबर के गुण ना दो नंबर को चालू करने से पहले मेरा एक और क्वेश्चन है मैम आपसे क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हमारे जीरो से नौ के ही नंबर होते हैं तो अगर ग्यारह है बारह है जैसे मैं डबल डिजिट वाला हूँ मतलब मेरा जो नंबर है वो डबल डिजिट पे आता है तो मेरे लिए कैसे काउंट कर सकता हूँ कि वो मेरा एक है या फिर दो है वो क्या है नहीं देखो जैसे डबल डिजिट है सपोज ग्यारह नंबर है तो एक और एक ग्यारह ठीक है तो ग्यारह नंबर न्यूमोलॉजी में लोशो ग्रेड में 11 नंबर को वैसे तो बहुत लक्की माना जाता है लेकिन वो एक और एक ग्यारह होकर ना दो नंबर भी हो जाते हैं अच्छा। अब आपको एक चीज़ की बहुत हैरानी होगी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्यारह है तो हमारी लाइफ में तो बहुत कुछ ग्यारह तारीख को हुआ है मतलब मेरी शादी ग्यारह तारीख को हुई है आज मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ <laughs> आप ग्यारह तारीख को पैदा हुए <laughs> और मेरी बेटी जो बड़ी बेटी जन्मी है वो भी ग्यारह तारीख को जन्मी है okay, तो ये भी okay. देखो कहीं ना कहीं कौन भी ग्यारह तारीख को <laughs> मैं तभी बता रही थी कि आपने ग्यारह तारीख की बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप भी ग्यारह तारीख के हो गए काम था। हाँ जैसे किसी का नंबर हुआ छब्बीस डेट ऑफ बर्थ तो पर्सनैलिटी नंबर उसका हुआ टू प्लस सिक्स एट ठीक है लेकिन उसके अंदर दो नंबर के भी गुण आएंगे यानी कि वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी होगा कहीं ना कहीं वो उसके अंदर ममता वाली फैक्टर होता है ना बहुत अच्छा होस्ट भी होगा और छः नंबर के भी सारे गुण आएंगे okay. वीनस के गुण जो होते हैं तो वो मतलब उसको लग्जरी भी पसंद होगी hmm. उसको बहुत अच्छे से सजना संवरना भी पसंद होगा अगर लड़की होगी तो hmm. और अगर लड़का होगा तो उसे वेल well, मेंटेन hmm. रहना मतलब पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देता होगा वो लड़का अगर छः नंबर वाला होगा तो शर्ट उसके पास चाहे दो ही हो लेकिन दोनों ब्रांडेड होंगी ऐसी पर्सनैलिटी होती है छः नंबर वालों की ठीक है तो और आठ नंबर हो गया शनि का काम वो भी करेगा शनिदेव का भी असर पूरा पूरा रहेगा उन पर कि जैसे शनिदेव है हमारे तो वो ना बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं करते ओके तो कोई लारा लप्पा नहीं चल सकता उनके साथ अगर किसी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता ख़ास तौर पर अगर लेबर के साथ मतलब ये तो एक बहुत वो है कि अगर आपको शनि देव को प्रसन्न रखना है ना तो आप कभी भी लेबर को तकलीफ़ मत करो मतलब उसको अब्यूजिंग लैंग्वेज मत बोलो उसे कभी अगर दो पैसे फालतू बनते हैं ना तो फालतू दे दो जो भी खास तौर पे लेबर ग्रेड। ओके। आपने रिक्शे वाले के के पैसे बने तो तो आप उसे 15 के लिए मत दिए, तो छोड़ दो रुपए। कभी-कभी बहुत आगे जाके काम आती है ओके। ठीक है तो अब वो जो मेरा क्वेश्चन था जीरो से लेके नाइन तक जीरो तो कुछ नहीं होता कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है जहाँ जीरो आ गया वो अब अगर जीरो आ गया तो फोन नंबर में वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है अपने पहले वाले नंबर को ही अच्छा ठीक है लेकिन प्लैनेट्स में वो जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं इट जीरो फोर है तो, तो थ्री की वैल्यू डबल हो जाएगी मतलब केवल मोबाइल नंबर में हम लोग उसे अंडरस्टूड मानते हैं कि जैसे किसी के नंबर में आया फिफ्टी तो हम उसे मानते हैं कि इसने जीरो जो आया ना उस अपने से पहले जो पांच अंक था फिफ्टी में पांच पहले आ गया ना तो पांच नंबर की पावर को बढ़ा दिया ओके okay. मतलब अगर फिफ्टी फाइव लिखा होगा ना तो उससे ज़्यादा पावरफुल नंबर होगा फिफ्टी क्योंकि okay. दुगनी पावर उसमें आ गई जीरो में और पाँच की अपनी पावर तो है ही तो केवल तो बर्थ में और डेट ऑफ बर्थ में जीरो का कहीं कोई तो ट्वेंटी मतलब फिट टू ओके ठीक है मून का नंबर तो फिर अब एक तो आपने बता दिया था हाँ अब दो है मून वैसे कुछ लोग ना इसे कहानी की तरह भी कहते हैं कि ये रानी है नहीं भाई रानी नहीं है मून मून चंद्र ग्रह हैं तो उन्हें चंद्रमा ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है उन्हें रानी ना बनाए राजा की कि मतलब जब इंसान एक चीज़ सीखने आ गया ना कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि न्यूमोलॉजी सीखने आ गए तो हमें मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ना हम वैसे याद रख सकते हैं मूलांक भाग्यांक कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मुझे नहीं लगता पर्सनैलिटी नंबर डेस्टिनी नंबर ईजिली याद रखा जा सकता है तो चंद्रमा हमारे अच्छे खासे ग्रह हैं और उनको ममता से कनेक्ट किया जा सकता है उनको ऐसे भी ममता से कनेक्ट किया जा सकता है कि बचपन में बोलते थे ना मामा तो दो माँ होती हैं तो उन्हें रानी बनाने की ज़रूरत नहीं है मामा। हाँ तो वो मामा ही ठीक है और जो जितने भी मून वाले लोग होंगे ना उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि उनकी ना इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है okay. और जिनके अगर डेट ऑफ बर्थ में आपने एक से ज़्यादा देख लिए दो नंबर तो आप उनसे बच के ही रहना थोड़ा क्योंकि okay. जिनके डेट ऑफ बर्थ में दो या तीन बार टू आ गया तो वो अगर आपके लिए कुछ बोल देंगे ना तो वो भी हो जाएगा मतलब अच्छा बुरा वो बोले गए अरे भाई आज जब मुझे लग रहा है गाड़ी पंचर ना हो जाए तो हो जाएगी रास्ते में चाहे वो मंथ ईयर कम्पलीट हाँ पूरे, पूरे उसमें ग्रिड जैसे हम ग्रिड बनाते हैं तो वो पूरा उ, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होती है मंथ भी होता है और ईयर भी होता है तो पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी टू नंबर अब 2000 में जो पैदा हुए हैं उनके पास तो भर भर के है दो तो हाँ हम तो 2002 2021 2022 दो बहुत है दो वाले तो तो उनके पास ये पावर होती है इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है उनकी वो वो लोग जो भी आ, कुछ कभी कभी मुंह से निकलता है उनके कभी कहते हैं ना जैसे काली जबान भी बोल देते हैं लोग बाग घर में तो कि हाँ काली जमाने में वो काली नहीं होती है, वो उनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी हो जाती है ओके okay. कि वो कुछ बोलते हैं या उन्हें सपने में भी दिखाई दे जाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे और मैं तो कहती हूँ कि कमेंट्स करके बताओ जिन जिन के <laughs> नंबर दो हैं ग्रह में तो वो प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ हमें कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अगर कुछ ऐसा बोलते हो तो ऐसा होता है आपकी लाइफ में <laughs> और क्या सपने दिखते हैं क्या दो नंबर वालों को बहुत उन्हें सपने में पहले से पता चल जाता है कुछ कुछ चीज़ें अनुभव हो जाती हैं कि हाँ शायद ऐसा होने वाला है शायद कुछ ऐसा घटित होने वाला है ये बहुत होता है अच्छा हाँ तीन नंबर बृहस्पति जी का गुरु अगर किसी को तीन नंबर डेट ऑफ बर्थ वाला टीचर मिल जाए तो पकड़ लो चरण अच्छा। बहुत अच्छा टीचर होता है अच्छा। तो बृहस्पति गुरु हैं और उनमें सारी क्वालिटी ऐसी है बुद्धि बहुत अच्छी है उनकी और खाली ज्ञान ही नहीं है ज्ञान के साथ साथ ना वो आपको विशालता भी देते हैं मतलब जो तीन नंबर वाले होंगे ना वो कहीं ना कहीं आगे जाके ना उनका जो घेरा होता है ना एक वो बहुत बड़ा हो जाता है मतलब उनको जानने वाले लोग उनसे मिलने जुलने वाले लोगों का ना एक बहुत विशाल एक वो बन जाता है कि वो एक सीमित नहीं रहते चार नंबर राहू कहने के लिए तो गुंडा है लेकिन अच्छा गुंडा है ये अच्छा गुंडा ऐसे कि ये ना ज़िंदगी में आपको उतार चढ़ाव तो बहुत देगा चार नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा जिसके फ़ोन नंबर में होगा जिसके गाड़ी नंबर में होगा उसको उतार चढ़ाव तो बहुत देखना पड़ रहा होगा कि आप आग बंद करके बोल दो कि भाई तेरी लाइफ में तो बहुत अप एंड डाउनस हैं कभी लाइफ यहाँ जाती है कभी यहाँ आ जाती है और वो बोलेगा सच यार बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि राहु दिखाता है ऐसे दिन कि बहुत अमीरी भी दिखाएगा और एकदम से ला के फांके भी गिरा देगा और दिमाग उसके पास इतना है क्योंकि राहु को आप कैसे पहचानते हो राहु का सर है धड़ नहीं है लेकिन दिमाग कभी कभी ना फितूरी भी हो जाता है मतलब अब क्योंकि राहु का दिमाग है तो कभी कभी तो वो शैतानी भी करेगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंट्रोल करके चलते हो ना तो राहु इतना अच्छा नंबर है कि वो हमेशा ना दूसरों की भलाई के लिए सोचेगा अच्छा मतलब नहीं है राहु सोचता है।, है दूसरे की भलाई के लिए सोचता है बहुत बहुत अच्छा, कि मतलब मेरे साथ तो ऐसे बहुत लोग जुड़े लाइफ में जिनका नंबर राहु का था लेकिन अगर पूरी फैमिली में देखा जाए तो वही सबसे अच्छे लोग थे अभी हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे रमेश पंडित जी आए थे उन्होंने भी बताया था कि राहु जो होता है वो ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी ऐसे बना दी कि बुरा है बुरा है बुरा है चलिए अब राहू की बात हो रही है तो एक छोटी सी रेमेडी दे दू राहू की तो राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है हमारे किचन में ना नमक रखा होता है अच्छा। तो नमक को ना कभी भी मेटल के किसी भी बर्तन में मत रखो वो शनि और राहु मिल ना खराब देते हैं परिणाम अच्छा। तो हमेशा ना कांच की बॉटल आती है ना कांच की बॉटल में रखना चाहिए नमक Okay. मतलब आप इतना चेंज करके देखो राहु पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा अभी काफी देर से जैसे आप नंबर वाइज चलते हुए आ रहे हैं तो शिवम भाई की तरफ मैं देख रहा था कि पांच नंबर कब आएगा पांच <laughs> नंबर कब आएगा बहुत देर से वेट कर रहे हैं शिवम भाई तो मैम अब इस पांच नंबर पांच नंबर ना एक्चुअली बहुत स्पेशल नंबर होता है उसे तो सबसे लास्ट में रखना चाहिए बताने के लिए क्योंकि ना पांच नंबर मतलब ग्रिड को बैलेंस भी करता है अच्छा। पाँच नंबर मनी मैग्नेट का भी काम करता है पांच नंबर वाले लोग ना ऐसे होते हैं कि देखने में लेजी लगेंगे मगर उनका माइंड इतना शार्प होता है ना कि वो बैठे बैठे भी बहुत सारे काम निपटा सकते हैं अच्छा हाँ। और थोड़े मैं, मैं, कहता लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा पर मैं बहुत सारे काम <laughs> करता हूँ <laughs> तो फिर अपने दर्शकों को बोलो कि जो जो पांच नंबर वाले हैं पर्सनैलिटी वाले हैं वो बताए कि क्या वो बैठ के आराम से चेयर पे काम करना पसंद करते हैं और ऐसा उनके साथ भी होता है कि बैठे बैठे वो बहुत सारे काम निपटा लेते हो अब आप लोग सुन रहे हैं अगर तो जैसे कि शिवम भाई हमारे बैठ के चेयर पे सिर्फ बैठे रहते हैं और काम कर देते हैं जैसे मैम ने बोला क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना और अपने चेयर पे बैठे बैठे लाइक कर दो <laughs> 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 तो उनका नंबर ना एक्चुअली मरकरी का है मरकरी को ग्रीन कलर बहुत पसंद है और ग्रीन कलर क्या है आगे बढ़ने का हमें कोई भी चीज़ आगे बढ़ानी है या कुछ भी है तो ग्रीन और ग्रीन आप पेड़ पौधों को भी देख लो ग्रीन कलर को जब भी देखोगे ना आपके मन में एक शांति एक बहुत अच्छा भाव आता है तो स्पीड का भी नंबर है उन्हें ज़्यादा पाँच नंबर वालों को ना रोकना टोकना पसंद नहीं है वो खुले मुड़ी होते हैं थोड़े कि अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं उन्हें बार बार कोई टोके ये कर लो ये कर लो ये कर लो बोले मैं नहीं करूँगा ये काम करा तो, ले हाँ तो अगर उनसे काम कराना है ना उन्हें बोल के छोड़ दो वो कर लेंगे काम उनके दिमाग में रहता है तो पांच नंबर वालों को ना ज़्यादा पुष्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको काम करवाना है उन्हें उनसे तो वो मुझे पता है <laughs> तो वो चीज़ है और पांच नंबर तो भाई बहुत पांच नंबर वालों के ना बहुत ज़्यादा दोस्त बना लेने चाहिए क्योंकि पांच नंबर सबको हेल्प करता है ओके okay. तो अगर आपको रात को भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो हो सकता है सबेरे तक आ जाए फ़ोन करोगे तो लेकिन आ जाएंगे ऐसा नहीं डाल करेंगे कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है आज मैं तो कलकटा जा रहा हूँ हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छे होते हैं छः नंबर वीनस का शुक्र okay. जिनके डेविल ग्रुप भी बोल सकते हैं हम hmm. तो गुण भी उनके थोड़े से ऐसे हैं कि लग्जरी पसंद है बहुत अच्छा वेल मेंटेन करके रहना अगर दो शर्ट हैं तो दो भी ब्रांडेड पहनो कपड़े अच्छे परफ्यूम वेयर करना बहुत पसंद होता है मतलब अपना पर्सनैलिटी उनकी देख के बता सकते हो कि अगर आप शॉपिंग करने गए हो और साथ वाला आपका वीनस का है तो वो आपको सीधे मॉल में ही ले जाएगा वो कहेगा यार मुझे मार्केट से नहीं खरीदना मुझे मॉल में चल अच्छा तो वहाँ से चाहे वो मैक्स से ख़रीद के लाए चाहे वो, वो किसी और शॉपर स्टॉप से खरीद के लाए लेकिन लेके वो मॉल में ही जाएगा कि भाई मैं अच्छी चीज़ कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी चीज़ लेके आ रहा आऊँ तो ऐसे होते हैं मीनस वाले बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं ज़्यादातर गोल्ड पहनना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है okay, और गोल्ड पहनते तो बहुत अच्छी रेमेडी भी हो जाती है ओके okay. तो मतलब तो तो उनका ना शुक्र स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है एक बहुत अच्छी रेमेडी है ये कि अगर आप अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना तो गोल्ड वेयर करो जितना अब आजकल तो फैशन में काम होता जा रहा है और कि लोग गोल्ड कम पहनते हैं लेकिन अगर गोल्ड पहनते हैं तो उनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ओके okay, okay. बहुत अच्छी रेमेडी। अब सात नंबर आ जाते हैं केतु जी का अब जैसे राहु वैसे ही केतु hmm. केतु का सर नहीं है धड़ है लेकिन केतु जी न, बोलते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति में है लेकिन नहीं यहाँ न्यूमोलॉजी में विपरीत है केतु जी जिसकी जिसके पास केतु जी की पावर होगी यानी कि नंबर सात होगा वो बहुत लक्की होगा उसके काम okay. ना अपने आप बनते जाते हैं अच्छा। मतलब ऐसा रहता है लाइफ में कि वो कुछ चाहता है और उसके काम हो जाते हैं अच्छा कहीं से भी हो जाएंगे सोर्स लेकिन हो जाएगा जैसे मेरी राशि में मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी साथ है तो मैं चाहती थी कि पॉडकास्ट मिल जाए मुझे कोई <laughs> तो देखो मुझे आपका पॉडकास्ट मिल गया तो हम लोग कुछ सोचते हैं तो हो जाता है इसमें भी पर्सनैलिटी है धोनी हाँ उनका भी उनका भी साथ है हम्म साथ है तो जिस समय धोनी हमारी टीम में थे कैप्टन तो उस समय देखो कितना अच्छा लक चलता चला गया मतलब ब्लाइंडली लोग कह रहे थे बस अब ये मैच आया है तो ये जीतेगा ही जीतेगा बिल्कुल तो और ऐसा चल भी रहा था उस समय हाँ, वर्ल्ड कप लेकर वर्ल्ड कप लेकर आए ट्वेंटी ट्वेंटी में भी जीता हासिल करिए बहुत मतलब अच्छी एक बहुत अच्छी इनिंग खेल के गए हैं वो अपने टाइम रोनाल्डो का नंबर क्या है अब तो, उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता पर टी शर्ट का टी शर्ट पे नंबर ये एक्चुअली वर्क करते हैं अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना तो उनके अगर जर्सी नंबर जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं तो ये भी चाहे कोई सामने से बोले ना बोले क्योंकि हर ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि हर कोई अनाउंसमेंट करके नहीं बताता कि हाँ भाई मैंने इसलिए ऐसा करा है लेकिन जर्सी नंबर जो भी सेट करते हैं लोग अपने हिसाब से वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पिरिचुअल चीज़ों का हाथ होता है और सात नंबर वाला तो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते ही है मतलब हाँ। केतु जी हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं धार्मिक अध्यात्मिक, अध्यात्मिक बनाते हैं अच्छा। जित अगर, अगर सपोज तीन नंबर वाला तीन पर्सनैलिटी वाला केतु जी के साथ जुड़े जाता है तो दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं अच्छा हाँ दोनों बोलते भाई आओ जैसे वो होता है ना कि वीनस वाला आप मिला तो वो बैठेगा चल यार बाहर चलते हैं थोड़ा ठंडा वंडा पी कर आते हैं और केतु और बृहस्पति ग्रह मिले तो वो ये कहेंगे कि चल यार देखिए नई चीज़ आई है इस पर रिसर्च करते हैं लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे और चल मतलब घंटों उसी में बिता देंगे अपनी रिसर्च में रूम में बैठे, बैठे बैठे तो ऐसे होते हैं केतु जी का बहुत मतलब बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा नंबर है केतु जी का मगर डिपेंड ये करता है कि वो किसके साथ मिले हैं अगर अच्छे के साथ मिले तो अच्छे बुरे के साथ मिले तो बुरे, बुरे। हाँ। क्योंकि प्रभाव उनका वैसे ही रहता है कहीं ना कहीं राक्षस प्रजाति से भी आते हैं ना। राक्षस प्रजाति से भी है फिर माइंड नहीं है नहीं। तो माइंड ना होने के जिसका माइंड जुड़ेगा वैसा मूव करेगी बॉडी तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं प्लानिट्स को की भाई जिसका आप अगर राहु के साथ जुड़ते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं बसते राहु जी अच्छा अच्छा अच्छा, <laughs> अच्छा, अच्छा सोच अच्छे वाला हाँ राहुल जी का सोच रहे अगर उसमें भी उनका ये रहा कि हाँ थोड़े बदमाश टाइप के हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि साथ में वो तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर राहु केतु साथ में मिल जाए तो तो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इफेक्टेड होते हैं ज़्यादा लेकिन क्योंकि वो तो फिर एक ही हो गए ना राहु केतु मिल गए तो लेकिन डिपेंड करता है कि अगर जैसे वही ना कि अगर राहू जी अच्छे दिल वाले हैं आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है मतलब कोई किस परिवेश में पला बड़ा है कैसी उसकी सोच है वो डिपेंड करता है केतु के साथ मिल केतु के साथ कि अगर राहु अच्छी सोच वाला है जैसे मैंने बताया कि बहुत हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं बहुत दूसरों के लिए सोचते हैं राहु में भी तो अगर ऐसी प्रवृत्ति के हैं राहु तो फिर वो अच्छा ही बनाएंगे और अगर बदमाश है कि चल भाई कहाँ से क्या चीज़ गड़बड़ की जा सकती है तो फिर ऑफिस बात है हाँ कि वो केतु को भी ख़राब करेंगे तो है। है। ऐसे ही अब आगे हमारे आठ आग 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 नंबर शनिदेव स्नेह स्ने धीरे धीरे <laughs> तो ये तो वर्ष भी आठ का ही है बिल्कुल और आठ नंबर शनिदेव का भी है शनिदेव खराब नहीं है उन्हें गलत चीज़ें नहीं पसंद बस ओके तो वो जहाँ गलत होता है ना वहाँ वो नाराज हो जाते हैं और वहीं उनका जो निर्णय होता है वो कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई शनिदेव का प्रकोप है तो सब कुछ हुआ है शनिदेव एक हमारे बहुत हिंदुस्तान में गुरु हैं तो धर्म गुरु तो नहीं है योगा गुरु हैं उन्होंने बोला था कि शनि वनि कुछ नहीं होते अगर शनिदेव का कुछ ऐसा होता है तो मुझ पर आके दिखाए ना मुझ पर चढ़ के दिखाए शनि शनिदेव तो शनिदेव उन पर भी बहुत बार चढ़ चुके हैं <laughs> <laughs> तो बहुत बार वो भी भागे हैं अभी तक तो ऑलमोस्ट तो अभी भी कोर्ट से फटकार लगी चुकी है तो शनिदेव शनिदेव ने भोलेनाथ को नहीं छोड़ा तो हम आप तो बहुत छोटी सी चीज़ें बिल्कुल अगर शनिदेव को प्रसन्न रखना है ना तो छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं मतलब आप लोगों के साथ ना अच्छा करते चलो कोई फिजिकल चैलेंज पर्सन है उसकी हेल्प जरूर करो किसी को ब्लड मतलब किसी को ऐसा है कि हाँ किसी का एक्सीडेंट देख लिया आपने किसी का कुछ है तो आप उसको रुक के हेल्प कर दो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे आ, कोई आपके घर में हाउस होल्ड हाउस मेड है ठीक है उसको आप एक छुट्टी ले ली उसने फालतू मत काटो उसकी छुट्टी क्या होगा सौ दो सौ रुपये फालतू जाएंगे लेकिन उस सौ दो सौ की जगह ना वो पूरा महीना आप दिल से काम करेगी और आपकी शनिदेव की रेमेडी भी हो जाएगी तो ये ना छोटी छोटी बातें हम लोग ना न्यूमोलॉजिस्ट में ना कभी भी ऐसे बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं बताते जो आपको अलग से करने पड़े कि इतने नारियल लेके आप वहाँ बहा दो या ये कर दो नहीं छोटे छोटे हैं हमारे उपाय जो आप रेगुलर डेली में आदत बना लोगे ना तो वो रेमेडीज का काम करती चलती हैं बिल्कुल अब जैसे शनिदेव के बाद आगे मास की बारी नाइन नंबर मंगल ग्रह सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है मंगल Okay. मतलब वैसे अगर हम देखें तो एक नंबर को बोलते हैं सबसे पावरफुल ग्रह लेकिन एक नंबर से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल नंबर नाइन भी है अच्छा। नाइन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि कटप्पा को जानते हैं हम कटप्पा को समझ सकते हैं या हनुमान जी को पर्सनैलिटी उनकी ऐसी है कि हनुमान जी राम जी के साथ थे तो लंका कर दी बिल्कुल अगर गलती से हनुमान जी रावण की लंका में होते रावण के साथ तो उल्टा हो सकता, उल्टा हो सकता था है ना तो वही चीज़ है कि इतना ईमानदार इंसान होगा क्या आपके लिए मरने मारने को तैयार रहेगा बशर्ते उसको सही साथ मिलाओ अगर साथ उसका गलत हो गया तो फिर वो गलत के लिए साथ दे रहा होगा तो नौ नंबर वालों को ना हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका साथ कैसा है वो बेशक से नहीं खा रहा नॉन नॉनवेज नहीं खा रहा ड्रिंक नहीं कर रहा जुआ नहीं, नहीं खेल रहा ताश नहीं खेल रहा लेकिन अगर वो ऐसे लोगों के साथ बैठा है जो ताश खेल रहे हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं तो उस प्रवृत्ति का असर पड़ेगा नौ no नंबर okay, okay. वालों पे तो नौ no नंबर को हमेशा अपने फ्रेंड्स बनाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ hmm. तो वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं और लाल रंग उनका प्रिय है तो ब्लड डोनेट करते हैं अगर किसी को भी तो मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं तो वैसे तो हमारे पॉडकास्ट जो है वो थर्टी मिनट्स तक के होते हैं मैम बट आज आपसे बात करते करते हमारा टाइम कैसे बीतता जा रहा है हमें पता ही नहीं हमारे कैमरा मैन बार बार हमें बता रहे हैं कि टाइम हो गया बट हमारा मन ही नहीं कर रहा इसको ओवर करने का तो ये फर्स्ट ऐसा पॉडकास्ट है जो हम दो पार्ट में निकालने वाले हैं ठीक है पहली बार ऐसा होगा हमारे पिक्सल टॉक्स पे कि हम दो पार्ट पे इसको निकालेंगे सेकेंडली मैम कि थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे टाइम निकाला इतनी सारी बातें करी हमारे साथ हमारी ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली बहुत अच्छा नहीं ये तो मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी आप लोगों का कि आप लोगों से बात करके ना बहुत सारी चीज़ें जो जनरली लोगों को नहीं पता होती वो आप लोगों ने जो क्वेश्चन करे ना इतने अच्छे प्रश्न कर रहे कि वो सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी लोगों को कि हाँ ये न्यूमोलॉजी क्या है कैसे काम करती है कैसे मतलब अब बेसिक तो हर कोई अपना समझ ही लेगा